हाँ तो बेटा देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर 1 लीटर, मैं क्या लेता हूँ बेटा, 1 लीटर लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ, ईच ऑफ 18% वेट बाय वॉल्यूम, क्या दे रखा है, देखो 18% दे रखा है आपको, क्या वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज दे रखा है। अब याद करो, वेट बाय वॉल्यूम, का मैं आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता चुका हूँ, क्या फॉर्मूला था कि भाई इसका मतलब क्या है, 18 ग्राम, क्या है इसका मतलब, 18 ग्राम क्या मेरे पास ग्लूकोज है, किसके अंदर है, तो 100 ml, किसके अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान रखना 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है, जबकि क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है 1 लीटर, ध्यान रखना हमें निकालना क्या है 1 लीटर के लिए निकालना है। खैर अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई इसमें क्या है, 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन की है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, आर मिक्स बीइंग कॉमन मिक्स क्या है कितने में, एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मिक्स कर दिया, आर की वैल्यू आपको दे दी, और पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है बेटा बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कैसे बताएंगे, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, पाई इक्वल टू क्या था बेटा, N1I1 + N2I2, ये पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर क्या जाएगा, RT / V टोटल, समझ में आया क्या, मेरा फॉर्मूला बहुत धीरे धीरे बोला है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है, तो देखो एक बार आप पहले खुद से आप लोग एक बार सॉल्व करके देखें, और अगर आंसर आ जाता है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, और गलत आता है तो सीख लीजिए, कैसे सीखेंगे, तो चलो एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, देखो धीरे 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 हम लोग करेंगे, सबसे पहली बात क्या है कि 18% क्या है, वेट बाय वॉल्यूम मेरे पास ग्लूकोज है, तो भाई सबसे पहले क्या रखोगे बोलो, 18% वेट बाय वॉल्यूम मेरे पास क्या बोलो, ग्लूकोज है, अरे हाँ किरा, ठीक है, और एक और ने क्या दे रखा है, एक और क्या दे रखा है, 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, अरे ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को ये बताओ 18% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि 100 ml में मेरे पास कितना है, 18 ग्राम है, अरे हाँ की ना कितना है, 18 ml, ठीक है, 18 ग्राम है, सॉरी क्या था मैंने, 100 ml में मेरे पास कितना वेट है, 100 ml में मेरे पास कितना वेट है, 18 ग्राम मेरे पास वेट है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे क्या है, 100 ml में कितना वेट है बोलो, कितना वेट है आपका, 6 ग्राम है ना, कितना वेट है, 6 ग्राम वेट है ना, जबकि मेरे को निकालना क्या है, 1 लीटर की बात हो रही है तो 1000 ml, 1 लीटर की बात हो रही है तो 1 लीटर की बात हो रही है तो बोलो 1000 ml की टर्म्स में आंसर बताना है, तो भाई बताओ 100 में अगर 18 है तो 1000 में कितना होगा, 1000 में कितना होगा, 180, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो मैं इसको ऐसा बदल सकता हूँ कि भाई 1000 ml में कितना हो जाएगा बोलो, 180 ग्राम हो जाएगा क्या, अरे हाँ की ना, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 ml में, 1000 ml में ये कितना हो जाएगा बोलो, 60, कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, अब वेट मेरे पास दोनों क्या आ गए, और फॉर्मूला क्या था, N1I1 + N2I2, तो मतलब हमें चाहिए क्या, हमें मोल चाहिए, मोल्स कैसे हम बताएंगे, तो बताओ इसके मोल्स कैसे बताऊंगा, 180 इसका वेट, अपन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बोलो, 180 है ना, ये कितना जाएगा, बना जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, 180 कैसा है आप सभी को पता है, ग्लूकोज का, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिए, तो अब तो याद भी हो गया होगा, याद नहीं हुआ तो निकल के देख लेना कैसे निकालते हैं, C6H12O6, ठीक है, तो चलो आगे देखो, इसका बताओ इसका N2 कितना आएगा बोलो, 60 तो इसका वेट है, अपॉन यूरिया, यूरिया क्या होता है, NH2CONH2 है ना, क्या है, NH2CONH2, ये इसका यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है भैया, यहां से 60 आएगा, तो ये भी कितना गया, ये भी कितना गया, 1 आ गया, बात करें भैया I1 की, I1 बोलो, I1 कितना है, ग्लूकोज है तो कितना होगा, 1 है, यूरिया है, यूरिया है तो यूरिया कितना होगा, राइट बोलो, ये भी 1 होगा, अरे भाई पता है ना, ये ना तो डिसोसिएट करते हैं ना एसोसिएट करते हैं, ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज कितने सारे एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो बस अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बोलो, पाई रिजल्टेंट है ना, पाई रिजल्टेंट को मैं क्या लिखता हूं, पाई आर लिख देता हूं, N1 I1 कितना बोलो, 1 × 1 + N2 I2 क्या है भैया, 1 × 1 × क्या बोलो, RT की वैल्यू कितनी है भाई, 1/12, टेंपरेचर किसमें लोगे भाई, केल्विन में टेंपरेचर लोगे, ध्यान रखना हमेशा हम लोग टेंपरेचर किसमें लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, ठीक है, तो भाई केल्विन में बता दो कितना आएगा बोलो, 300 आएगा क्या है ना, ये तो क्या आ गया, RT अपॉन क्या होता है, अपॉन क्या होता है बोलो, वॉल्यूम कौन सा, टोटल वॉल्यूम, तो बताओ इसका 1000 ml, इसका 1000 ml कितना हो गया, 2000 ml, या फिर ऐसा बोलो 2 लीटर आपका वॉल्यूम हो गया, इतना सब इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, समझ गया ना, समझ गया, अच्छा ये बताओ जो पाई रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी, उसकी यूनिट क्या आएगी, तो ध्यान रखें उसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, देखो क्या है, एटीएम आएगी, क्यों, क्योंकि आपने जो आर की वैल्यू जो ली है वो उस हिसाब से ली है कि भाई प्रेशर क्या रहा होगा वहाँ पे, एटीएम में प्रेशर रहा होगा, ठीक है, यही सब क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ टू और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स, क्या कह रहा है भाई, अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर हम सॉल्यूशन मिक्स करते हो और अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं, क्या कहा मैंने, अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं, ध्यान रखें अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, अभी जो हमने केस पढ़ा था वहाँ पे चीजें रिएक्ट नहीं कर रही थी, रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो हमें रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं थी,
और क्योंकि रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते थे। कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते थे? N1I1 + N2I2 है ना, इनटू बाहर क्या था RT / V टोटल, यही था, यही था डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे। ध्यान रखें क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपके रिएक्ट नहीं कर रही थी, पर क्योंकि देखो एक ट्यूशन के टीचर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग क्या कह रहे हो भाई, एक तो आप ऐसे ले रहे हो, ऐसे लोग किसके साथ मिक्स कर रहे हो, NaOH के साथ। आप सब लोग समझ गए होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम बोला करते हैं। एसिड और बेस जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, पर रिएक्शन लिखने से पहले एक बार क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो। 400 ml क्या है बेटा, 1 मोलर HCl है ना, 400 ml 1 मोलर HCl। तो मेरे को बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला था। मोल्स मैं कैसे निकालूंगा, मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, है ना। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो, HCl + NaOH से क्या बनने वाला, बोलो HCl बनने वाला प्लस, प्लस क्या निकल जाएगा, बोलो प्लस क्या निकल जाएगा, आपका वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ HCl के कितने मोल्स दे रखे हैं, 400 × 1 मोलर। तो आपको सबको पता है मोलरिटी, मोलरिटी के जो हमारा फॉर्मूला होता था वहां पे हम जो वॉल्यूम जो लेते थे, वॉल्यूम भी लेते थे, वो किसमें लेते थे, लीटर में लेते थे। तो इसको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो 400 ml को लीटर में कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि 1000 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बोलो ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी 0.4। बोलो मेरे साथ कितनी आएगी, 0.4 0.9 मोल हो गए। कैसा है मैं फिर बता देता हूँ, 600 × 1.5 है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखने की अगर मैं आपको बताऊँ लिख के, तो इसको किस तरीके से करोगे आप, 600 को क्या लिख सकते हो 0.6। अरे हाँ कि ना, 600 ml है तो उसको किसमें कर लिया हमने, लीटर में कर लिया। तो 0.6 इंटू क्या करोगे बोलो, 1.5 क्या करोगे बोलो, 1.5। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितना आ गई, 0.9 मोल आ गई। अब ध्यान से देखना भाई, आपके HCl और NaOH दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि रिएक्ट करेंगे तो एक चीज तो खत्म हो जाएगी, अरे बोलो ना क्या हो जाएगा, एक चीज तो खत्म हो जाएगी और एक चीज आपकी बच जाएगी। ये चीज हम कैसे निकाल देते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अरे जाओ अपने 11th क्लास में जाओ अपने पुरानी यादों में वापस जाओ, अगर याद नहीं आ रहा तो अपने नोट्स के पन्ने पलट के देखो, जो धूल मिट्टी जो लग रही है उसको साफ करो, है ना, उसको साफ करोगे तो बेटा आपको दिखेगा, वहां पे दिखेगा क्या फॉर्मूला दिखेगा बेटा आपको, वहां पर फॉर्मूला दिखेगा कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग वहां पे निकालना करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालेंगे, अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार इस वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट वापस नहीं बताऊंगा। तो अभी सीख लो, अभी कैसे सीखोगे कि भाई इसके मोल्स कितने हैं, 0.4, इसके कितने हैं, 0.9, दोनों में से कौन सा छोटा है, ऐसा लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देंगे। अगर ऐसा निकालते तो बेटा बिल्कुल गलत है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है जितने आपके मोल्स हैं, मोल्स अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलो ना, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 1 है, यहां पे भी क्या है, बोलो NaOH क्या, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 है। तो बताओ 0.4 / 1 करोगे तो कितना आएगा, 0.4, 0.9 / 1 करोगे तो कितना आएगा, 0.9। तो बताओ दोनों में से छोटा कौन सा आया, HCl छोटा है, तो HCl छोटा हो गया तो HCl तो खत्म हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि भाई 0.4 जो लिमिटिंग रिएजेंट आता है उसकी वैल्यू को सब में से माइनस कर देते, तो भाई सब में से माइनस करोगे तो 0.4 - 0.4 तो कितना बच गया, बोलो 0 बच गया, कितना बच गया बोलो, 0 बच गया, ठीक है। NaOH बताओ भाई, NaOH कितना बचेगा, 0.9 - 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 मोल, है ना, कितनी आ जाएगी, 0.5 मोल। NaCl कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, अभी पहले कितना था 0, अभी कितना और आ गया, 0.4 आ गया। तो भाई ये कितना हो गया, NaCl कितना हो गया बोलो, 0.4 हो गया। और वाटर तो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, आपको पता है ना, आपको पता है भाई, हम ऑलरेडी HCl और NaOH जो हम ले रहे हैं, वो ऑलरेडी हम एक्वस फॉर्म ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी
हम लोग क्वार्टर का काउंट कर चुके हैं ना, ठीक है। तो बस अब एनओएच की वैल्यू आ गई है ना और एनएसीएल की वैल्यू आ गई। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा N1I1 प्लस N2I2 और बाहर क्या जाएगा RT/V टोटल, समझ गए ना। बहुत छोटी सी चीज थी तो मैं डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। पाई रिजल्टेंट क्या होगा, N1 कितना है 0.5 इंटू I1 NaOH, NaOH का किसमें टूटेगा Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। अरे हाँ कितना, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 2 आ जाएगी, ठीक है। प्लस 0.4 इंटू NaCl, NaCl की आई की वैल्यू कितनी होने वाली है 2। अरे भाई सॉल्ट है ना तो किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी बोलो 2 आएगी। इंटू क्या होगा R की वैल्यू कितनी होगी, आप सभी को पता है 1.12 है ना। अभी मैं डायरेक्ट R लिख देता हूँ। टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 में किसमें कर लोगे, केल्विन में कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 300। तो अभी मैं डायरेक्ट RT लिख रहा हूँ, अभी मैं बस RT लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना मल्टीपल आर डिवाइड तो आप लोग आता है ना, आता है ना। तो बताओ अपॉन क्या भैया, V टोटल कैसे बताओगे, 400 प्लस 600 कितना हो गया 1000 ml। पर मैं यहाँ पे किसमें लूंगा, लीटर में लूंगा, तो लीटर मतलब 1 है ना, कितना 1 मतलब लीटर। तो बस यहाँ से आपकी पाई आपकी वैल्यू आ गई। ध्यान रखना जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या आने वाली है, ध्यान रखें। बहुत छोटी छोटी बातें जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन है 400 ml ऑफ 0.1 मोलर Hg+2 इज मिक्स्ड विद 600 ml ऑफ 0.8 मोलर I-27° सेल्सियस, ठीक है। ये बात आपको दे रखी है, पूछ रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है। अरे भाई क्वेश्चन तो सेम इसी तरीके का है ना, क्वेश्चन जैसे सेम इसी तरीके का है। रिएक्शन में आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, Hg+2 + I-, इससे क्या बन रहा है Hg I4 और ऊपर का चार्ज आ रहा है, ऊपर का चार्ज आ रहा है बेटा, आपको बोल रहा हूं माइनस का 2 चार्ज। तो ध्यान से देखना क्या है कि भाई आपने जो Hg+2 जो आपने लिया था वो I- के साथ रिएक्ट कर गया तभी तो कोई चीज बनाई है, और क्योंकि रिएक्ट कर गया तो ये कौन सा केस हो गया आपका केस 3 हो गया। ध्यान रखें वापस मैं बोल रहा हूं, छोटी-छोटी गलतियां हैं जो आप लोग कर बैठते हैं। अभी आप लोग क्या करोगे डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे N1I1 + N2I2 है ना, ब्रैकेट के बाहर क्या जाएगा RT/V टोटल। अगर बेटा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज संभल जाओ, ठहरिए बेटा, क्यों ठहरिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपकी चीजें रिएक्ट कर जाती तो हम केस थ्री लगाते तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें लिमिटिंग रिजल्ट हमें निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग रिजल्ट अगर हमारा आ गया तो लिमिटिंग रिजल्ट के बाद हम चीजों को बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो बताओ मेरे को कि भाई Hg+2 के आपके पास कितने मोल्स हैं, मोल्स कैसे निकालोगे, 400 इंटू 0.1 तो 400 को आप समझिए ना कैसे लिखोगे, 0.4 लीटर, तो 0.4 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा बोलो 0.04, अरे आपके ना 0.04 आपका आ जाएगा। I माइनस कैसे निकालूंगा तो 0.6 है ना, समझिए ना, भावना को समझ जाएगा, ठीक है। तो देखो 0.6 इंटू 0.8 ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा आपका 0.48, अरे बोलो कितना आएगा 0.48, बस ये आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने कितनी बड़ी चालाकी की है, उसने आपको रिएक्शन तो दे दी, क्यों रिएक्शन दे दी, जिससे आपको पता तो चल जाए कि भाई ये केस 3 का एग्जाम्पल होने वाला है, मतलब चीजें रिएक्ट करने वाली है। पर यहाँ पे इसने चालाकी ये की है कि भाई इसने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, और बेटा आप लोगों को यहीं से गलती आपको होती है। तो भाई ध्यान रखिए रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे कितने Hg है 1, वहाँ पे Hg कितने हैं 1, ठीक है। यहाँ पे I कितने हैं 1, पर वहाँ पे I कितने हैं 4, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा भैया, अरे समझ गए बहुत छोटा सा ये है, बहुत छोटे इनको बोलते हैं लूप होल्स, वही वो जानबूझकर आपके लिए गड्ढा बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग यही गलती करोगे और आप लोग गलती कर भी देते हो। तो देखो अभी तक आप लोगों से 2 गलती हो सकती है, कौन कौन सी, कि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आप लोग फॉर्मूला लगा देते N1I1 + N2I2 फिर RT/V टोटल लगा देते, ऐसे कर देते तो गलत हो जाता। दूसरी गलती क्या होती कि भाई यहाँ पे बिना बैलेंस करे आप लोग आंसर निकाल देते तो आपसे गलती हो जाती। पर ध्यान रखें ये दोनों गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। देखो मैं जानबूझ के आपको सारी चीजें, आपको वो वाली सारी बातें बता देता हूँ जो आप लोग आगे कर सकते हैं, तो मैं आपको इसलिए ही बताता हूँ जिससे वो वाली गलतियां तो आप लोग नहीं करें। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड तो आना चाहिए भैया, ध्यान रखना मल्टीप्लाई डिवाइड की ऐसी गलती मत कर बैठना, ठीक है। तो चलो देखो भाई ये कितना है 0.04, ये कितना है 0.48, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, 0.04/1 0.48/4, ठीक है। बताओ दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी रहेगी, ऑफ कोर्स ये वाली आपकी वैल्यू आने वाली छोटी, तो भाई ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो कितना गया भैया 0, क्यों 0 गया, क्योंकि मैंने बताया आपको पूरी रिएक्शन को किससे माइनस कर दोगे 0.04 से आप लोग माइनस कर दोगे। अब देखो भाई इसका लिमिटिंग रिएजेंट मैं कैसे निकालूंगा, बताओ 0.48
माइनस क्या जाएगा, माइनस क्या जाएगा भाई, माइनस क्या जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अरे यार याद करो ना लिमिटिंग रिजिड कैसे निकालते थे, ये वाले पोल्स है ना, ये वाले पोल्स माइनस 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 ये क्या करेंगे, अरे सॉरी लिमिटिंग रिजिड नहीं निकाल रहे, लिमिटिंग रिजिड का हम लोग निकाल चुके हैं, कौन सा एच जी प्लस टू, मैं लिमिटिंग रिजिड के बाद की बात कर रहा हूँ, बाद की बात कर रहा हूँ मतलब मोल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, भावना में मैं भी थोड़ा बहुत बह जाता हूँ आपकी तरह, ठीक है। तो देखो वापस में बोल देता हूँ, वापस में बोल देता हूँ, लिमिटिंग रिजिड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कौन सा निकाल चुके हैं, एच जी प्लस टू हम लोग लिमिटिंग रिजिड निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आई माइनस की मैं आपके मोल्स बता रहा हूँ, तो आई माइनस की मोल्स में कैसे बताऊंगा, मैं 0.48 माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा बोलो, ये 4 यहाँ पे क्या स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 अपॉन एच जी का कितना स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इनटू इनटू ये क्या होगा बोलो 0.04, तो इसको जब करोगे तो 4 इनटू 4 कितना हो जाएगा 0.16, और 0.48 में से 0.16 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा बोलो 0.32, अरे हाँ कि ना, ये आगे बस आपका 0.32 आ गया। HgI4 आपका कितना होने वाला है बोलो, HgI4 आपका कितना होगा भाई, ये तो बोलते ही होगा ना 0.04, अरे हाँ कि ना 0.04 ही तो होगा भाई, पूरी इक्वेशन बोलो 0.04 से तो आपने माइनस किया है, देख लो भाई यहाँ पे भी स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है, क्योंकि मैं Hg+2 के अकॉर्डिंग मैं बाकी की सारी चीजें निकालता हूँ, आपको पता होगा लिमिटिंग रिजिड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो बताओ बताओ क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, N1I1+N2I2 वाला तो लगा दो, लगा दो बताओ भाई, पाई आर, पाई आर किसके बराबर होगा, N1 कितना है 0.32 इंटू I1 भाई, I माइनस आगे जाके ना टूटेगा नहीं, अरे भाई I माइनस आगे जाके थोड़ी टूटेगा, अरे समझिए ना छोटी मोटी बात है भाई, I माइनस किस में टूटेगा, I माइनस तो पहले खुद से ही वो अकेला है तो वो किस में जाके टूटेगा, ठीक है। तो भाई इसका I कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या बोलो प्लस प्लस कितना है 0.04, 0.04 इंटू कितना होगा बोलो, इंटू कितना होगा भाई इसका, इसका HgI4 है ना, तो HgI4 भी आगे जाके अब तो टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा, वो तो ऑलरेडी बन चुका है ना, तो वापस तो टूटेगा नहीं, तो उसका भी I कितना है बोलो 1 है, बस इंटू आर, R12 आपको सबको पता है, 1/12 टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, अपॉन वी टोटल, तो वी टोटल क्या करोगे वही 400+600 मतलब 1000 मतलब 1 लीटर, बस यहाँ आंसर आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी किस आने वाली, बोलो एटीएम में आपकी वैल्यू आने वाली, समझ गए ना, समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है, केस टू का मैं क्वेश्चन, केस टू का मैं आपका एग्जाम्पल बता चुका, केस थ्री के हमने दो बार एग्जाम्पल कर लिए, तो अब तो बातें आपकी क्लियर हो ही गई होगी। अब एक आखिरी केस आपका बच रहा है, वो आखिरी केस क्या है, तो उसमें होता है बेटा कि आपके डबल 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 डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली आपने रिएक्शन का नाम सुना होगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या बचता था, क्या बचता था बोलो, आपका प्रेसिपिटेट आपका बच जाएगा, तो वही बात मैं आपकी करने वाला हूँ कि अगर प्रेसिपिटेट बच गया, अगर प्रेसिपिटेट बच गया तो उसको भी हम काउंट नहीं करते, उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे मतलब जो मैं फाइनली फॉर्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पे, हम उस प्रेसिपिटेट वाली कंसंट्रेशन को मैं नहीं लेने वाला, क्या नहीं करने वाला भाई, नहीं लेने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब इसको फटाफट मिटाते हैं, वो केस 4 देखते हैं, और केस 4 के बाद कुछ और अलग वैरायटी, अब हम जाएंगे अलग वैरायटी जाएंगे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि भाई डायरेक्शन ही बता दो, और कुछ सिंपल कि भाई डायरेक्शन ही बता दो, भाई ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, वैसे तो आपको पता है कि भाई डायल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो भाई हमें कैसा पता चलेगा कौन सा डायल्यूट है कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो सारी बातें हम करेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि भाई डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस आपके एक और तरीके से आप लोग बता सकते हो, वो एक और तरीका क्या है कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का भी डायरेक्शन हम बताते हैं, तो खैर वो सारी बातें हम करेंगे, तो पहले केस 4 देख लें और उसका हम ट्यूशन भी कर लें, ठीक है। तो देखो बेटा अब हमारा अगला केस क्या है, अब हमारा अगला केस है क्या कि इफ पिपिट इज फॉर्म, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि अगर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क्या बताया कि अगर प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते, क्या नहीं करते बेटा, इन्वॉल्व नहीं करते। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, क्यों दे देता हूं, क्योंकि सेम इसी तरीके का अभी हमने क्वेश्चन किया था केस 3 में, तो अभी बदला कुछ नहीं है, सेम वही सारी चीजें आपकी रहने वाली है, वही आपको पहले लिमिटिंग रिजिड निकालना है, लिमिटिंग रिजिड के बाद ही आप लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा N1I1+N2I2, और बाहर क्या आएगा RT/V टोटल, समझ गया ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 400 ml क्या बेटा 0.1 मोलर AgNO3, तो बताओ सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, रिएक्शन लिखेंगे, तो बताओ कि भाई AgNO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बोलो AgNO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 600 ml of 0.2 मोलर NaCl, तो भाई NaCl के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, वजह से कि आपको पता है कि भाई इसमें क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा, सब लोग जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी होने वाली है, तो बनेगा क्या, बनेगा AgCl, जो कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब यही क्या है बेटा, आपका प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और साथ में एक और क्या निकल जाएगा बोलो,
NaNO3 क्या मिलने को बोलो NaNO3 बस इसकी एजीएम3 क्या था भैया आपका एक्वस था NaCl3 क्या था भैया आपका एक्वस था ठीक है NaNO3 बना वो भी क्या बना बोलो एक्वस बना ठीक है अभी फाइनली इश्यू फाइनली क्या शुरुआत में आप लोग क्या करेंगे शुरुआत में आप लोग क्या करेंगे इसके मोल्स निकालना फिर लिमिटिंग एजेंट देख लेना लिमिटिंग एजेंट के बाद ऑब्वियसली बात है दोनों में से एक चीज तो लिमिटिंग एजेंट आने वाली है वो तो हो जाएगा जीरो क्या हो जाएगा बोलो वो तो हो जाएगा जीरो तो अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं अगर मान लो AgNO3 हो गया लिमिटिंग एजेंट तो उसकी तो हो गई जीरो इसके निकाल लेना माइनस करके ठीक है और फिर इसका तो AgCl का वो आपको नहीं लेना क्यों नहीं लेना क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है मतलब ये क्या है आपका प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट इसका हमें नहीं लेना तो किसका लोगे NaNO3 का लोगे ठीक है तो ये तो आ जाएगा आपका N1 I1 I2 कैसे निकाल लोगे तो भाई I1 अगर मान लो मैं वापस वही अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि AgNO3 आपका लिमिटिंग एजेंट है तो अब मेरे को किसका लेना है NaCl का लेना है तो NaCl का I1 कितना आएगा आपका 2 आएगा और NaNO3 का भी कितना आएगा आपका 2 आएगा I1 की वैल्यू आ गई I2 की वैल्यू आ गई सब चीजें आपको पता है वैल्यू रखो और आंसर पाओ वॉल्यूम कितना होने वाला है तो भाई 400 प्लस 600 वही 1000 ml और 1000 ml मतलब 1 लीटर तो कर लोगे ना इजी सा क्वेश्चन है काफी सारा मैंने आपको हिंट दे भी दिया तो इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट करके बताना है क्या करना है कमेंट करके बताना ठीक है तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं अब हमारी आती है बेटा नई वैरायटी आती है मतलब जो भी डायरेक्शन क्या होने वाला है क्या मैंने डायरेक्शन क्या होने वाला है किसका डायरेक्शन पूछा है बेटा ये ऑस्मोसिस का डायरेक्शन पूछा तो कैसे निकालेंगे देखो भाई हमें क्या दे रखा है कंटेनर दे रखा है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आपका ए है राइट हैंड साइड पे क्या आपका बी है और दोनों किससे सेपरेट हो रहे हैं सेमी परमियबल मेम्ब्रेन से दोनों के दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो भाई इसका कितना दे रखा है 0.15 है ना इसका कितना रखा है 0.2 मोलर दे रखा है ना ये NaCl एक्वस है ये यूरिया एक्वस है ये 1 लीटर है वो भी कितना है 1 लीटर है तो बस बताओ सबसे पहली बात कि मोल्स क्या क्या है सबसे पहली बात मोल्स कैसे निकालोगे तो भाई मोल्स कैसे निकालोगे 0.15 तो यहां से कितना आ गया 0.15 मोल आ गए किसके NaCl के ध्यान रखें ठीक है इसके कितना आएंगे 0.2 × 1.2 × 1 तो इसके कितना आएंगे बेटा इसके आएंगे 0.2 तो बताओ कौन सा ज्यादा और कौन सा कम तो अगर आपका आंसर अगर आपका आंसर आ रहा है यूरिया कि सर यूरिया ज्यादा आ रहा है और NaCl कम आ रहा है तो बेटा प्लीज ध्यान रहे सावधान रहे सतर्क रहे यहां पे जो हम वैल्यू निकालते हैं आई से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ध्यान रखें ये छोटी गलती है फिर मैं आपको बता रहा हूं मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई NaCl जो है NaCl का टूट जाएगा ना किसमें टूटेगा Na+ और Cl- में टूटेगा जबकि यूरिया का टूटता नहीं है क्यों नहीं टूटता क्योंकि उसका आई कितना होता है 1 होता है ठीक है तो मेरे को एक बात बताओ ना यार यहां पे अगर NaCl के मोल कितना रहते हैं NaCl के मोल है 0.15 × 1 तो कितने मोल है NaCl के मोल है 0.15 यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया पर आपको एक और बात पता है कि NaCl टूटता है तो किसमें टूटेगा Na+ में और Cl- में तो भाई अगर NaCl अगर पूरा NaCl अगर 0.15 मोल लेके बैठा है तो Na+ भी कितना होगा 0.15 मोल Cl- भी कितना होगा 0.15 मोल तो मेरे पास कितना प्रेजेंट है Na+ और Cl- का मिला के कितना हो जाएगा 0.15 + 0.15 तो ये आएगा बेटा 0.3 ध्यान रखें कितना आएगा 0.3 अब मेरे को बताओ 0.3 बढ़ा या फिर 0.2 बढ़ा समझ गए तो अब कौन सा बड़ा 0.3 बड़ा कौन सा बड़ा बेटा बोलो कौन सा बड़ा 0.3 बड़ा और आपको एक और बात पता है क्या बात पता है कि भाई जो ऑस्मोसिस होता है कहां से कहां होता है डाइल्यूट से लेके कॉन्सेंट्रेटेड होता है अब सर हम कैसे बताएंगे कौन सा डाइल्यूट है कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड तो देखो बहुत इजी सा तरीका है कि भाई इसके मोल्स कितने आए थे यूरिया के 0.2 मोल जबकि NaCl के कितना है 0.3 मोल तो बताओ भाई इजी सा है थोड़ा सोचना कि भाई यूरिया अगर 0.2 है मैं केवल इस कंटेनर की बात कर रहा हूं ना केवल इस कंटेनर की बात कर रहा हूं तो अगर यूरिया 0.2 है तो बाकी का वहां पे क्या रहा होगा बाकी का वहां पर वाटर रहा होगा जबकि यहाँ पे जैसे NaCl का कितना 0.3 है ना तो 0.3 अगर NaCl का तो बाकी का क्या रहा होगा बेटा बोलो बाकी का क्या रहा होगा आपका वाटर रहा होगा तो बताओ वाटर कहाँ पे आपका ज्यादा प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर आ गया होगा यूरिया है ना क्या आंसर आएगा तो बेटा आपका यूरिया क्या होगा कि भाई अगर मोल्स आपके यूरिया के कम है तो कम क्यों है क्योंकि वहां पर वाटर ज्यादा है और क्योंकि वहां पर वाटर ज्यादा है तो वो क्या हो गया बोलो वो क्या हो गया डाइल्यूट हो गया अब क्योंकि यूरिया डाइल्यूट है NaCl क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस कहां से कहां ट्रेवल करेगा डाइल्यूट से लेके कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हो गया बताओ कौन सा हो गया बी से लेके ए अरे समझ में आएगा है ना तो हमारा आंसर क्या हो गया बोलो बी से लेके है ना ये तो था बेटा आपका पहला तरीका दूसरा तरीका आप लोग क्या कर सकते हो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था मैंने बेटा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आपका क्या होता है बोलो आपका क्या होता है ऑस्मोसिस होता है अब बात करते हैं सर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे तो आप सभी को फॉर्मूला पता है पाई का
पाई का एक ही फॉर्मूला बेटा, क्या फॉर्मूला है? आईसीआरटी। क्या फॉर्मूला है बोलो? आईसीआरटी। तो आई कितना है एनएसीएल का? एनएसीएल का आई कितना है? एनएसीएल का आई कितना है बोलो? एनएसीएल का आई कितना है? 2 है। ठीक है, मोल्स कितने हैं एनएसीएल के? अरे भाई मोल्स, एनएसीएल की मैं बात कर रहा हूं ना, मोल्स कितने हैं एनएसीएल के? 0.15। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया? चलो करके बता देता हूं, शायद ये इतना लंबा मैं आपको बोल दूंगा, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं धीरे-धीरे मैं आपको करके बता दूं। ठीक है, तो बताओ ये B2 है, B2 तो समझ लिया ना इसको मैं? चलो नहीं बिटा रहा, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। भाई बताओ भाई कि मैंने कंटेनर बना रखा है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोलो? एनएसएल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोलो? आपका यूरिया प्रेजेंट है। यूरिया के कितना मोल आए थे? 0.2 × 1, मतलब ये कितना है बोलो? 0.2 मोल आ गए। यहाँ पे एनएसएल के कितने मोल आए थे? 0.15 × 1, तो ये कितना मोल आ गया था बोलो? 0.15 मोल आ गया था। अरे हाँ कि ना, आई आई की वैल्यू एनएसएल की कितनी है? 2 है, जबकि आई की वैल्यू यूरिया के लिए कितनी है? 1 है। समझ गए ना, ये मैंने आई की वैल्यू लिखी है। तो बताओ अगर मेरे को एनएसएल का, अगर मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो एनएसएल का ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा? आईसीआरटी। अरे बोलो आईसीआरटी। ठीक है, तो आई की वैल्यू तो कितनी है? 2 है। कंसंट्रेशन में कैसे निकालता हूँ? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं? मोल्स कितने हैं भाई एनएसएल के? 0.15 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है। तो क्या आ गया बोलो? 1 आ गया। ठीक है, आर आर आप लोग प्लस दोगे और टी यहां पे आप लोग प्लस दोगे। ठीक है, तो सेम जैसा मैंने एनएसएल निकाला है, सेम वैसा मैं यूरिया भी अगर मैं निकालता हूं, तो देखो यूरिया ऐसे आएगा कि यूरिया का क्या आएगा बोलो? आई कितना है यूरिया का? 1 × कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा? 0.2 मोल मेरे को पता है, तो 0.2 अपॉन वॉल्यूम कितना है यूरिया का? समझ गए? अरे भाई हाँ कि ना, है ना? 2 × R × T, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 RT, जबकि ये कितना है बोलो? ये कितना है? 0.3 RT, है ना? तो बताओ कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो छोटा कौन सा आपका यूरिया, बड़ा कौन सा आपका NaCl। तो भाई मैंने क्या कहा? लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से आपका यूरिया जाता, तो सॉरी क्या था मैंने? लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे आपका क्या होता है? ऑस्मोसिस आपका होता है। समझ लिया ना? तो बताओ यहाँ से भी आप लोग बता सकते हो कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ होगा आपका? बी से लेके ए होगा। समझ गए, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, दोनों में से कोई सा भी तरीका करो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। समझ लिया ना? समझिए, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम नाम दे देते हैं SSL क्वेश्चन नाम दे देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब आपको क्या बताना है? फाइनल वॉल्यूम बताना है। फाइनल वॉल्यूम में इन ईच कंटेनर, ईच कंटेनर मतलब ए में भी आपको फाइनल वॉल्यूम बताना है और बी में भी आपको फाइनल वॉल्यूम बताना है। फाइनल का मतलब समझिए ना कि भाई शुरुआत में तो कितना था यहां पे? 1 लीटर था। ये भी कितना था? 1 लीटर था। अब क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है, तो ऑस्मोसिस होता है, तो ऑस्मोसिस में क्या ट्रेवल करता है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट?
इक्विलिब्रियम पे आपको बताना है। तो भाई आप सभी को पता है कि इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया मतलब ऑस्मोसिस क्या हो गया, बोलो ऑस्मोसिस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब क्योंकि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बी का है ना, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर आपका किसके बराबर हो गया, बोलो ए के बराबर हो गया। क्या था मैंने, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बी का है उतना ही कितना हो गया, उतना ही किसके बराबर हो गया, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए। अब क्योंकि दोनों के दोनों पाई, दोनों के दोनों पाई आपके बराबर हो गए, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी क्या बोलते हैं, बोलो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब समझ गए, सारी बातें आप लोग समझ गए, तो डायरेक्टली मैं आपकी सारी बातें सॉल्व कर देता हूं। सारी बातें सॉल्व कर देता हूं मतलब पाई ऑफ एलसीएल किसके बराबर कर दोगे, बोलो पाई ऑफ यूरिया। अरे ठीक है, पाई ऑफ एलसीएल कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने आपको तरीका बताया आईसीआरटी। यहां पे भी क्या लगा दोगे, बोलो आईसीआरटी। डिफरेंस क्या आएगा, यहां पे आएगा C2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं ये वाला क्वेश्चन बैठा के अभी एक और वैरायटी हमारी लास्ट वैरायटी और बच रही है। तो वैरायटी से पहले मैं आपको एक नोट करके मैं वहां पे आपको बातें लिखवा दूंगा। वहां पे दो तीन बातें वगैरह हम कर लेंगे, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ठीक है, वो बातें भी हम करेंगे। पर खैर चाहे पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करें। तो आई वन की वैल्यू कितनी है आप सभी को पता है, कर दोगे तो आपको यहाँ का वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, आगे तो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आप लोग खेल ही लोगे, पर उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे सीख गए होंगे। मैं फिर बता देता हूँ ये सारी बातें, हमने क्या किया था, I1C1 = I2C2 किया था। क्यों किया था, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम में तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, और क्योंकि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ का है उतने ऑस्मोटिक प्रेशर आपका वहाँ का भी हो जाएगा, इसी को हमने नाम दिया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो ही गई होगी, और तो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई चीज मैंने छोड़ी हो, सारी चीजें आपको समझा दी। ठीक है, अब कई सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखो मैंने इसी सा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी यूरिया दिया है, यहाँ पे भी यूरिया दिया, तो यहाँ पे आई का तो कोई पंगा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई इधर कितना है 0.1 मोलर आपका यूरिया है, इधर कितना है आपका 0.1 मोलर। अच्छा, दोनों जगह सेम सेम हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप 0.2 ले लो। तो भाई यहाँ पे 0.1 मोलर आपका यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, 1 लीटर आपके पास है वॉल्यूम। यहाँ पे कितना है 0.2 मोलर है यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, 1 लीटर है। ऑब्वियसली बात है क्या कि SPM से सेमी पर्वेल आपने जो सेपरेट हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस मतलब ए से बी आ रहा है या फिर बी से ए आ रहा है। ठीक है, और कैलकुलेट वॉल्यूम इन ईच पार्ट, तो कैसे करोगे, सेम अभी जो मैंने तरीका बताया कि भाई कहां से कहां जा रहा है वो डिपेंड करता है, जहां से जा रहा है वहां पर माइनस बी होगा, जहां पे जा रहा है वहां पर प्लस बी होगा। तो बस आपको कैलकुलेट करके बताना है, 1-B कैलकुलेट करके 1+B कैलकुलेट करके आपको कहां पर बताओगे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना। ठीक है, तो अभी मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको बता दिए है ना, काफी सारे क्वेश्चन आपको सिखा भी दिए, तो होमवर्क तो हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अभी पढ़ना तो अभी हमें और जारी रखना है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में अरे मत परेशान हो बेटा, मत परेशान हो, कोई बात नहीं, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस एक लास्ट वैरायटी आपकी और बची है यहाँ पे, तो लास्ट वैरायटी के बाद हम लोग फाइनली हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक की हम लोग बात कर लेंगे। आखिरी टॉपिक क्या होने वाला है आपका, इनमिसिबल लिक्विड्स के बारे में होने वाला है। खैर वहां तक पहुंचने से पहले अभी हमें दो क्वेश्चन और करने, फटाफट से वो दो क्वेश्चन भी हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं, और हाँ नोट भी हमें लिखना है। ठीक है,
आप देखो बेटा, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था नोट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ए वर्सेस बी। क्या लिखा है? ए वर्सेस बी मतलब वही है। मतलब क्या है कि अगर बेटा अगर आप लोग एक कंटेनर लेते हो उसमें एक जगह रखते हो ए, एक जगह रखते हो बी, तो अगर इन दोनों में अगर मेरे को कंपेयर करना है किसकी हेल्प से, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से अगर मेरे को कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा आप तो बताओ। अगर पाई ए, क्या कहा मैंने, अगर पाई ए की वैल्यू अगर ज्यादा है किससे, पाई बी से, है ना, क्या कहा मैंने, पाई ए की वैल्यू आपकी ज्यादा है किससे, ज्यादा है पाई बी से, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो पाई ए जो है, पाई ए जो है उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे बोलो, हाइपरटोनिक। जबकि जो पाई बी है, जो पाई बी है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे बोलो, हाइपोटोनिक, समझ गए ना। तो जो बड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। इसको आप लोग किससे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे अगर मान लो, आपके घर में जैसे भाई बहनों, आप लोग भाई बहनों आप छोटे वाले हो, आपसे बड़ा एक आपका भाई है, तो बड़ा वाला क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, आप छोटे तो आप क्या हो गए, हाइपोटोनिक हो गए। अगर अगर आप लोग बड़े हैं, आपसे कोई छोटा है, तो आप लोग क्या हो, आप लोग समझ गए हो गए, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर हम तो ट्विंस हैं, सर हम का ट्विंस है तो सर हमारा भी तो होता हो, तो बिल्कुल सही बेटा, आपकी अगली बार मैंने आपके लिए ही लिख सके क्या, अगर पाई ए और पाई बी के अगर दोनों बराबर हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। तो बेटा हाँ, आप क्या हो, आइसोटोनिक हो, ट्विंस, ट्विंस जो है आइसोटोनिक, ठीक है। तो एक गंदा सा मजाक था, बस इसलिए ही, बस इसलिए कि आप लोग समझ जाए और आगे तक याद रखें, ठीक है। जैसे तो मुझे पता है कि आइसोटोनिक तो हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, पर टाइम का डिफरेंस नहीं है ना भाई, कोई ट्विंस भी पैदा हुआ है तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का तो गैप आएगा ना दोनों में, तो वो तो क्या एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखें अगर दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर आते तो हम उसको क्या बोल देंगे, बोलो आइसोटोनिक बोल देंगे, ठीक है। तो चलो अगला, अगले हमारे दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, दो क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, इसके बाद आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 0.04 मोलर Na2SO4 है ना, 0.04 मोलर Na2SO4 इज आइसोटोनिक, इज आइसोटोनिक विद 0.05 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ध्यान रखें, ध्यान रखें आपको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, किसकी दे रखी है, Na2SO4 की दे रखी है, आगे बोल रहे हैं आइसोटोनिक है किसके साथ, 0.05 मोलर NaCl के साथ। तो आप सभी को समझ ही गए होंगे कि आइसोटोनिक है मतलब पाई ए इक्वल टू पाई बी है, तो पाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, ICRT, है ना, पाई बी का भी क्या फॉर्मूला होगा, ICRT, अरे भाई ए हो चाहे बी हो है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसका फॉर्मूला तो वही होने वाला है, क्या होने वाला है बोलो, ICRT, समझ गए। अब बात आती है सर आई की वैल्यू हम लोग कैसे बताएंगे, क्या रखेंगे, तो वो सारी बातें बात की है, पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ Na2SO4, Na2SO4 का क्या पूछ रहा है, वो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन पूछ रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। बात आप ये कि सर अल्फा कैसे निकालेंगे, तो भाई आयनाइज हो रहा है मतलब डिसोशिएट हो रहा है, भाई आयन से कन्वर्ट हो रहा है मतलब डिसोशिएट हो रहा है, तो आप सभी को पता है डिसोशिएशन में I का फॉर्मूला क्या होता था, I = 1 + n - 1 × α, अरे हाँ की ना, I = 1 + n - 1 × α, यहाँ से हमें क्या बताना है बोलो, यहाँ से हमें बताना है अल्फा बताना है। तो बात आती है सर हम अल्फा कैसे बताएं, तो भाई अल्फा बताने से पहले आपको क्या बताना है, आई बताना है, और आई के साथ देखो आपको क्या बताना है बोलो, एन, क्या बताना है बोलो, एन बताना है। तो एन कैसे बताएंगे, आप सभी को पता है, क्या पता है, Na2SO4 किसमें टूटेगा बोलो, आपको बताता हूँ, और अल्फा हमें तो फाइंड करना है, तो बात आती है सर आई हम कैसे निकालेंगे, तो अब आपका दिमाग काम करेगा और आपका दिमाग आपको बोलेगा कि आई निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, आपका दिमाग बोलेगा कि क्योंकि Na2SO4 और NaCl दोनों क्या है, दोनों के दोनों सॉल्ट है, वो क्योंकि सर आपने बता रखा है कि सॉल्ट 100% आयनाइज हो जाते हैं, और जो चीज 100% आयनाइज हो गई वो पूरे पूरे आइस में टूट गई, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू तो सर आएगी 1, अल्फा की वैल्यू आएगी 1 मतलब 100% हो गया, वो क्योंकि 100% हो गया तो सर जितना एन की वैल्यू है उतनी आई की वैल्यू हो जाएगी, तो सर इसका मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया सर कितना आ गया, 3 आ गया। तो बेटा अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में वो भाई क्वेश्चन में पागल थोड़ी है जो वो बोलेगा कि भाई आइसोटोनिक इतनी लंबी चौड़ी कहानी वो बोलेगा, है ना, तो भाई इतनी लंबी चौड़ी अगर वो कहानी दे रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना आई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब बात करें सर हम कैसे निकालेंगे आई की वैल्यू, तो उसके लिए वो खुद इतना बड़ा हिंट दे रहा है कि भाई आइसोटोनिक है मतलब आई
I1C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, I2C2 कैसा हो जाएगा भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ICRT, यहाँ पे भी क्या होगा? ICRT, टेम्परेचर से टेम्परेचर दोनों तरफ क्या हो जाएगा? खचखच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे इक्वेशन में टेम्परेचर की उसने बात नहीं की, और क्योंकि टेम्परेचर की बात उसने नहीं की तो हम लोग मान के चलेंगे कि टेम्परेचर क्या दोनों तरफ सेम है। आर की वैल्यू की जहाँ तक बात है तो आर तो क्या, अरे भाई आर तो पूरी दुनिया का सेम ही है, 1/12 है ना, 1/12 तो 1/12 से 1/12 क्या हो जाएगा बोलो, खचखच हो जाएगा। तो बचेगा क्या? I1C1 इक्वल टू क्या बोलेगा? इक्वल टू क्या होगा बेटा? I2C2। समझ गया? तो I1C1 इक्वल टू I2C2। अब बात करें भाई C1 तो मैं पता है कितना, मैं देखो लिख के बता भी देता हूँ। I1C1 किसके बराबर है बोलो? I2C2 के बराबर है। I1 की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, C1 कितना दे रखा है बोलो? 0.04 दे रखा है। I2 अब बात आती है NaCl, तो NaCl तो आप लोग आई NaCl तो आई कितना लोगे भाई? NaCl किसमें टूटेगा? Na+ और Cl- में, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब क्योंकि NaCl को आप लोग सॉल्ट तो है ही, तो NaCl को यहाँ पे, NaCl के यहाँ पे अब आप क्या करोगे? I=N आप कर सकते हो। तो I=N जब आप करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 2 आ जाएगी। N के बराबर आ जाएगी। और C देखो बेटा अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? मिक्सचर ऑफ टू इनमिसिबल लिक्विड। भाई हमें मिक्सचर बनाना है किसका? द
दो इमिसिबल लिक्विड का, इमिसिबल नाम से ही समझ में आ रहा है, दो चीजें मिक्स नहीं हो रही है, मतलब वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना रही है, और क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन बना रही है तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। इमल्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब भी दो चीजें आपके आपस में नहीं मिलती तो वो जो फॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो इमल्शन बोलते हैं। कहां पे पढ़ेंगे सारी बातें, तो आपकी फिफ्थ चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग ये वाली बात देखने वाले, ठीक है। तो चलो उसका एग्जांपल की मैंने आप लोगों से बात की थी, ऑयल प्लस वाटर आप लोगों को पता ही है, और क्या क्या एग्जांपल इसका हो सकता है तो देख लिए, वो देख लीजिए, वो वाला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो भाई वाटर प्लस CH2, वाटर और CH2 को मिला दे तो भी क्या बनेगा, बोलो इमिसिबल लिक्विड बनेगा। और क्या है, वाटर प्लस एनिलीन, वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, और एक और क्या है, वाटर प्लस फिनाइल। अब इन ध्यान रखें तो चार पांच एग्जांपल से कोई इसमें ज्यादा बड़ा पंगा वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या है, अब देखो मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, क्या क्या मैंने भाई एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में ऑब्वियस सी बात है दोनों इमिसिबल है तो दोनों आपस में मिलेंगे तो है नहीं, अरे समझिए। तो भाई मान लो नीचे मेरा ए है ना, ए मैंने कोई लिक्विड में रखा है, उसके ऊपर क्या है भाई, उसके ऊपर क्या है बी है, आप सभी को पता है दोनों मिलने गए तो दोनों की लेयर क्या होगी, बोलो दोनों की लेयर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मान लो भाई ए के कोई पेपर्स है ना, ए के कोई पेपर्स नहीं, सॉरी ए के कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल का आप गर्म करोगे तो उसके क्या बनेंगे, बोलो पेपर्स बनेंगे। अरे हाँ जी ना, ए के मॉलिक्यूल्स का अगर गर्म करोगे, ये ए का मॉलिक्यूल है उसको गर्म कर देंगे, क्या बन गया ऊपर वाला उसका पेपर। सिमिलरली बी का भी कोई मॉलिक्यूल होगा, उसको भी गर्म करोगे तो उसका भी कोई पेपर बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर जब पेपर्स आएंगे तो वो ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे। अरे समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ना, फॉर्मूला बन जाएगा। पर क्या फॉर्मूला बनाने से पहले
थोड़ी थोड़ी और बातें हम लोग देख लेते हैं क्या कि नाउ अकॉर्डिंग टू डेल्टा एस लॉ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि टोटल प्रेशर किसके बराबर है, पीए प्लस पीबी के, है ना, और पीए पीए नॉट के बराबर है पीबी, पीबी नॉट के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ पी टोटल के लिए सकता हूँ पीए नॉट प्लस पीबी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया टोटल प्रेशर जो आ रहा है वो पीए नॉट से भी बढ़ा रहा है। देखो ना यार भाई, यहाँ से भी आप देख सकते हो भैया टोटल प्रेशर है वो पीए नॉट से तो बड़ा ही है ना, क्यों बड़ा है भाई, उन दोनों के सम को मिला के ये चीज आएगी तो चीज तो ऑब्वियसली बड़ी है ना। सिमिलरली अगर मैं पीबी नॉट के टर्म से बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका पी टोटल क्या, और पी टोटल क्या आपका बड़ा है, समझ में आ गया ना, पी टोटल क्या बेटा आपका यहाँ पे बड़ा है। इसका मतलब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपका वेपर प्रेशर जो है सफिशिएंट है, या फिर ऐसा बोलो जो टोटल प्रेशर जो है वो आपको पीए नॉट से ही बढ़ा रहा है और पीबी नॉट से ही बढ़ा रहा है, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तभी आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या आने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कम आने वाला है, मतलब अब यहाँ पे लेस देन वाली बात हो जाएगी। कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट में भाई, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं सॉल्यूशन को बताता हूँ तो ए से क्या होगा बोलो, छोटा होगा। सिमिलरली बी का भी जो होगा वो भी क्या होगा बोलो, छोटा होगा। इसका मतलब समझ गए ना, इसका मतलब क्या है कि जब हमने पहले जब केस पढ़ा था तो उसमें क्या होता था भाई, एक ज्यादा होता था एक कम होता था, और फिर जो उनका सॉल्यूशन का जो होता था, सॉल्यूशन का होता था आपका बीच में होता था, याद आ रहा है क्या? ये थोड़ा अजीब सा डायग्राम बन गया, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद आ ही गया होगा, क्या याद आ गया होगा, इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।